पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा, जिस कुछ कुछ स्थानों में हल्की से मध्य वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा दो जगह पर हैवी रेनफॉल भी ऑब्जर्व किया गया, जिसमें बांकी में कटक में सबसे अधिक 85 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसी के साथ जो सीजनल रेनफॉल का टोटल है वो जो है अभी 1904 मिलीमीटर हो गया है, जो कि सामान्य से अभी भी -5% चल रहा है। चार जगह पर अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में आ रहे डिस्ट्रिक्ट जो धर्मपुर, कालांडी, पुरी और केंद्रपाड़ा, दो जगह एक्सेस में चल रहे हैं, बाकी की जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो नॉर्मल रेनफॉल कैटेगरी में आ रहे हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ जो कि जैसलमेर से होते हुए सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया जो कि साउथ ईस्ट राजस्थान और जर्मनी वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर है, वहां से होते हैं सागर, डाल्टन में, जमशेदपुर, दीघा और वहां से होते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ से होते हैं नॉर्थ ईस्ट व्यू बंगाल तक आता हुआ दिख रहा है। इन सिस्टम की बात करें जैसे आगे 5 दिन का जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह रहेगा, आज जो है हमारा ज्यादातर जो नॉर्थ उड़ीसा और साउथ कोस्ट उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और बाकी जो साउथ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बचे हैं वहां पर कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इधर जो डे वन में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है, जो अब येलो रीजन देख रहे हैं उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल की भी संभावना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल क्योंझर, जाजपुर, ढेंकनाल, कटक, गंजम, गजपति, रायगढ़ और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। 18 तारीख को जो एक जो सर्कुलेशन जो है मतलब अभी दिख रही है उसकी वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा हो, इसलिए डेट यानी 18 तारीख को कोस्टल उड़ीसा उसके साथ अनुगुल, ढेंकनाल, बोध, कंधमाल, रायगढ़, कोरमंडल, कांगेरी में आइसोलेटेड प्लेस पे येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल के लिए। उसका इस जगह पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। 19 तारीख को भी इसी जगह पर और नवरंगपुर साथ में आते तो वहां पर भी रेनफॉल के साथ आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल के लिए और थंडरस्टॉर्म के लिए येलो वार्निंग दी गई है। 20 को जो है हमारे पास साउथ उड़ीसा और नॉर्थ उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आइसोलेटेड प्लेस पे रेनफॉल हैवी रेनफॉल की संभावना है, येलो वार्निंग दी गई है। 21 को वेदर सिस्टम आगे मूव करने की संभावना है, जिसकी वजह से क्योंझर, चंद्रगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सोनपुर, बोध, बोलांगी, नुआपाड़ा, कालान, नरपुर डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने के लिए।